पीएम मोदी ने असम के नलबाड़ी में विशाल जनसभा को आज संबोधित किया। पीएम ने अपने संबोधन की शुरुआत त्योहारों की शुभकामनाएं देकर की। रामनवमी की शुभकामनाएं देते हुए पीएम ने कहा कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण का सदियों का इंतजार पूरा हो चुका है। आखिर भगवान राम अपने भव्य मंदिर में विराजमान हुए हैं। आज देश सदियों की साधना की, पीढ़ियों के बलिदान की सिद्धि को सेलिब्रेट कर रहा है। प्रधानमंत्री ने 4 जून को 400 पार का विश्वास जताते हुए कहा कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सब तक पहुंच रहा है। पीएम ने कहा कि एनडीए की योजनाओं में किसी के साथ भी भेदभाव नहीं होता है। बीजेपी वो पार्टी है जो सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर चलती है। एनडीए सरकार की योजनाओं में कोई भेदभाव नहीं होता, उनका लाभ हर किसी को मिलता है। अब एनडीए ने ठाना है कि देश के हर नागरिक तक पहुंचकर जिस सुविधा का वो पात्र है वो सुविधा उसे दी जाएगी। आप मुझे बताइए, एनडीए सरकार की योजनाओं में आपको कहीं पर भी भेदभाव का सामना करना पड़ा है? भेदभाव का सामना करना पड़ा है? भेदभाव का सामना करना पड़ा है? तो प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि जितनी भी योजनाएं हैं वो सब तक पहुंच रही हैं और इसमें किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता। और इसी दौरान प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पार्टी पर भी जमकर निशाना साधा। ये सुनाते हैं आपको। कांग्रेस पार्टी ने सियासी फायदों के लिए इस क्षेत्र को अपने में पंजे में फंसा कर रखा था। कांग्रेस के पंजे ने पूर्वोत्तर को इसलिए जकड़ रखा था ताकि उनके लिए भ्रष्टाचार और लूट के दरवाजे खुले रहे। अब ये पंजा खुल गया है तो असम में सबका साथ सबका विकास का मंत्र लागू हुआ है। और लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 19 अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए चुनाव प्रचार आज शाम थम जाएगा। पहले चरण में 21 राज्यों की 102 लोकसभा सीटों के लिए 19 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। चुनाव आयोग की गाइडलाइंस के मुताबिक पहले चरण में जिन सीटों पर मतदान होने हैं वहां चुनाव प्रचार 48 घंटे पहले शाम 4 बजे से 6 बजे के बीच अलग अलग समय पर समाप्त हो जाएगा। आज शाम से सार्वजनिक सभा या जुलूस जैसे कई कार्यक्रमों पर रोक लग जाएगी। पहले चरण में जिन 21 राज्यों में वोट डाले जाएंगे उनमें बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ राज्य की सीटें शामिल हैं। और लोकसभा चुनाव को लेकर गहमागहमी के बीच पहले चरण के मतदान को लेकर तैयारियां अंतिम दौर में है। पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होना है और